उभयनिष्ठ विन्यास क्या होता है, मैं डॉक्टर वंदना रंगा आपके साथ इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। एक ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल उत्सर्जक, आधार तथा संग्राहक तथा दो संधियाँ उत्सर्जक आधार संधि यानी कि EB जंक्शन व संग्राहक आधार संधि यानी कि CB जंक्शन होते हैं। इनमें से प्रत्येक संधि की बायसन व्यवस्था के लिए दो टर्मिनलों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ट्रांजिस्टर को विद्युत परिपथ में जोड़ने के लिए चार टर्मिनल की आवश्यकता होती है, दो निवेशी तथा दो निर्गम टर्मिनल। अतः इनमें से एक टर्मिनल को निवेशी व निर्गम टर्मिनलों के मध्य उभयनिष्ठ लिया जाता है। उभयनिष्ठ टर्मिनल के आधार पर ट्रांजिस्टर को तीन मूलभूत विन्यासों से संयोजित किया जाता है। तो तीन मूलभूत कॉन्फ़िगरेशन से उभयनिष्ठ आधार विन्यास यानी कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास यानी कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास यानी कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करते हैं उभयनिष्ठ आधार विन्यास यानी कि CB कनेक्शन क्या होता है, उसके बारे में आज डिटेल्स में चर्चा करेंगे। उभयनिष्ठ आधार विन्यास के आधार टर्मिनल में को निवेशी तथा निर्गम परिपथों में उभयनिष्ठ रखा जाता है। निवेशी संकेत उत्सर्जक व आधार टर्मिनलों के मध्य तथा निर्गम संकेत संग्राहक व आधार टर्मिनलों के मध्य लिया जाता है। चित्र में NPN तथा PNP ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ आधार विन्यास में प्रदर्शित है। चित्र में PNP ट्रांजिस्टर के लिए उत्सर्जक धारा IE धनात्मक जबकि संग्राहक व आधार धारा ऋणात्मक है। उत्सर्जक आधार संधि अग्रवयसित होने के कारण VB धनात्मक व संग्राहक आधार संधि पश्चवयसित होने के कारण VCB ऋणात्मक होती है। NPN ट्रांजिस्टर के लिए सभी धाराओं की दिशा व वोल्टताएँ PNP ट्रांजिस्टर के विपरीत होगी। ट्रांजिस्टर के विद्युतीय व्यवहार की संपूर्ण व्याख्या विभिन्न वोल्टताओं के आधार के मध्य सह संबंध की सहायता से की जा सकती है। इन संबंधों की सुविधा के लिए आरेखीय या ग्राफिकली रूप से दर्शाया जाता है। इन आरेखों को ट्रांजिस्टर अभिलाक्षणिक आरेख ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहा जाता है। ट्रांजिस्टर के लिए निवेशी तथा निर्गम अभिलाक्षणिक अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम बात करते हैं निवेशी अभिलाक्षणिक या इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। उभयनिष्ठ आधार विन्यास में निर्गत वोल्टता संग्राहक आधार वोल्टता VCB को नियत रखते हुए निवेशी वोल्टता उत्सर्जक आधार वोल्टता VEB और निवेशी धारा IE के मध्य खींचे गए एक वक्र निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहलाता है। इस चित्र में PNP ट्रांजिस्टर के लिए निवेशी अभिलाक्षणिकों को दर्शाया गया है। VCB को नियत मान के लिए वक्र अग्रवयसित डायोड में अभिलाक्षणिकों के तुल्य प्राप्त होते हैं। ट्रांजिस्टर को उत्सर्जक आधार क्षेत्र PN संधि डायोड को अग्रदिशिक बायस के समान व्यवहार करता है। निवेशी अभिलाक्षणों से स्पष्ट है कि संग्राहक वोल्टता को परिमाण बढ़ाने पर उत्सर्जक धारा में बढ़ती है तथा वक्र दी गई है VEB वोल्टता के लिए ऊपर की ओर विस्थापित हो जाती है। यद्यपि यह प्रभाव बहुत कम सूक्ष्म होता है, अतः VCB को मान बढ़ाने पर उत्सर्जक आधार संधि के एक बेहतर डायोड के समान व्यवहार करती है। निवेशी अभिलाक्षणों में वह वोल्टता जिसमें कम मान पर उत्सर्जक धारा का मान बहुत कम प्राप्त होता है दहली वोल्टता यानी कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहलाती है। जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए दहली वोल्टता 0.1 वोल्ट तथा सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए 0.5 वोल्ट होता है। दहली वोल्टता से अधिक वोल्टता पर नियत संग्राहक आधार वोल्टता VCB के लिए उत्सर्जक आधार वोल्टता VE बढ़ाने पर उत्सर्जक धारा IE का मान तेजी से बढ़ता है। क्योंकि VEB के सूक्ष्म परिवर्तन से ही IE में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण उभयनिष्ठ आधार विन्यास में ट्रांजिस्टर का निवेशी प्रतिरोध बहुत कम 20 से 100 ओम होता है। निवेशी प्रतिरोध का मान निवेशी अभिलाक्षणों को में प्रचालन बिंदु पर निर्भर करता है। यदि ट्रांजिस्टर रेखीय क्षेत्र लीनियर रीजन में प्रचालित होता है तो गतिक निवेशी प्रतिरोध या डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस लगभग 50 ओम के बराबर होता है। निवेशी अभिलाक्षणों की ढाल स्लोप में ट्रांजिस्टर का गतिक निवेशी प्रतिरोध RI इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। RI = उत्सर्जक आधार वोल्टता में परिवर्तन डिवाइडेड उत्सर्जक धारा में परिवर्तन VCB कांस्टेंट है, यानी कि RI = डेल्टा VEB डेल्टा IE जब VCB कांस्टेंट है। अब हम बात करते हैं निर्गम अभिलाक्षणिक के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। उभयनिष्ठ आधार विन्यास में निवेशी धारा पर उत्सर्जक धारा IE को नियत रखते हुए संग्राहक आधार वोल्टता VCB और संग्राहक धारा IC के मध्य खींचे गए वक्र निर्गम अभिलाक्षणिक कहलाता है। चित्र में PNP ट्रांजिस्टर के निर्गम अभिलाक्षणों को दर्शाया गया है। निर्गम अभिलाक्षणों के सक्रिय क्षेत्र एक्टिव रीजन, संतृप्त क्षेत्र सैचुरेशन रीजन तथा अंतक क्षेत्र कट ऑफ रीजन में तीन भागों में बांटा जाता है। सक्रिय क्षेत्र के बारे में अब हम बात करते हैं यानी कि एक्टिव रीजन। यह क्षेत्र सामान्यतः
रेखीय प्रवर्धकों या लीनियर एम्पलीफायर्स के लिए प्रयोग किया जाता है। सक्रिय क्षेत्र में उत्सर्जक आधार संधि अग्रव्यवस्थित जबकि संग्राहक आधार संधि पश्चिम्यवस्थित होता है। सक्रिय क्षेत्र के निचले हिस्से पर उत्सर्जक धारा आई का मान शून्य होता है और संग्राहक धारा केवल व्युत्क्रम संतृप्त धारा ICBO के कारण होती है। इस चित्र में ICBO का मान IC mA की तुलना में इतना कम microAmpere होता है कि काल्पनिक रूप से यह IC=0 क्षैतिज रेखा पर प्रतिबिंबित होता है। उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए जब IE=0 परिपथ अवस्थाएं में प्रदर्शित है, धारा ICBO किसी डायोड के व्युत्क्रम संतृप्त धारा के समान होती है जिसका मान ताप पर निर्भर करता है। कमरे के ताप पर ICBO का मान जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए 2 microAmpere से 5 microAmpere तथा सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए 0.1 microAmpere से 1 microAmpere तक होता है। संग्राहक धारा IC का मान लगभग उत्सर्जक धारा I के तुल्य होता है। यह केवल सक्रिय क्षेत्र में सत्य होता है जहाँ संग्राहक आधार संधि पश्चिम्यवस्थित होती है। सक्रिय क्षेत्र के निचले लगभग समतल फ्लैट होते हैं जो ये दर्शाता है कि दी गई धारा आई के लिए VCB में परिवर्तन करने पर धारा IC में बहुत कम परिवर्तन होता है। यही नियत धारा स्रोत कांस्टेंट करंट सोर्स में होता है। अतः उभयनिष्ठ आधार विन्यास में ट्रांजिस्टर अभिलाक्षणिक धारा स्रोत के समान होता है। इसका तात्पर्य है कि ट्रांजिस्टर का निर्गम प्रतिरोध या आउटपुट रेजिस्टेंस RO अत्यधिक होता है। अब हम बात करते हैं संतृप्त क्षेत्र के बारे में, यानी कि सैचुरेशन रीजन। संतृप्त क्षेत्र में उत्सर्जक आधार और संग्राहक आधार संधियों दोनों अग्रव्यवस्थित होते हैं। निर्गम अभिलाक्षणिकों में संतृप्त क्षेत्र VCB=0 volt के बाईं ओर का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल स्केल को बढ़ाया जाता है जिससे इस क्षेत्र में अभिलाक्षणिकों में परिवर्तनों को आसानी से दर्शाया जा सके। जब संग्राहक आधार संधि को अग्रव्यवस्थित किया जाता है अर्थात VCB धनात्मक होता है, संग्राहक धारा IC के लिए मान के लिए तेजी से घटती है। इस क्षेत्र में संग्राहक धारा उत्सर्जक धारा पर अधिक निर्भर नहीं करता। हम बात करते हैं अंतक क्षेत्र की या कट ऑफ रीजन। अंतक क्षेत्र में उत्सर्जक आधार और संग्राहक आधार दोनों संधियां पश्चिम्यवस्थित या रिवर्स बायस होती है। IE=0 अभिलाक्षणिक के नीचे का क्षेत्र अंतक क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में संग्राहक धारा शून्य होती है। NPN ट्रांजिस्टर के लिए निवेशी तथा निर्गम अभिलाक्षणिक इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इस चित्र में दर्शाए गए हैं। वोल्टा की ध्रुवता तथा धाराएं PNP ट्रांजिस्टर के विपरीत होती है। निवेश अभिलाक्षणिकों में वोल्टा VCB धनात्मक होती है जबकि धारा IE और वोल्टा VEB ऋणात्मक होती है। निर्गम अभिलाक्षण में वोल्टा VCB तथा धारा IC धनात्मक होती है। चित्र में दर्शाए अनुसार NPN ट्रांजिस्टर भी सक्रिय संतृप्त और अंतक क्षेत्र में प्रचलित होता है। अब हम बात करते हैं धारा लाभ के बारे में। जो धारा लाभ होती है उभयनिष्ठ आधार विन्यास में उत्सर्जक धारा निवेशी धारा और संग्राहक धारा निर्गम धारा होती है। निर्गम तथा निवेशी धाराओं का अनुपात ट्रांजिस्टर का धारा लाभ कहलाता है। चूँकि निवेशी तथा निर्गम धाराएं AC तथा DC दो प्रकार की होती है अतः धारा लाभ भी AC तथा DC दो प्रकार के होते हैं। उभयनिष्ठ आधार DC धारा लाभ या कॉमन बेस DC करंट गेन, उभयनिष्ठ आधार DC धारा लाभ संग्राहक धारा IC तथा उत्सर्जक धारा IE के अनुपात में रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे अल्फा या अल्फा DC या H से प्रदर्शित किया गया है। α=αDC IC/IE होता है। क्योंकि संग्राहक धारा का मान सदैव उत्सर्जक धारा से कम होता है अतः DC धारा लाभ अल्फा का मान हमेशा 1 से कम होगा। सामान्यतः α=0.98, प्रायोगिक रूप से अल्फा का मान 0.95 से 0.99 के मध्य होता है। समीकरण से IE=IB+IC, परंतु IC=αIE तो IE=IB+αIE। अतः आधार धारा IB=1-αIE। उभयनिष्ठ आधार AC धारा लाभ या कॉमन बेस AC करंट गेन, ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त किया गया जाता है। प्रवर्धक समय के सापेक्ष परिवर्तित संकेत अर्थात AC संकेतों का प्रवर्धन करता है। इस स्थिति में हम वोल्टाओं और धाराओं के DC मान के अध्ययन की अपेक्षा उनमें होने वाली सूक्ष्म परिवर्तनों का अध्ययन करना चाहते हैं। विशेष रूप से हम यह जानना चाहते हैं कि उत्सर्जक धारा में परिवर्तन करने पर संग्राहक धारा किस प्रकार परिवर्तित होती है। यह सूचना एक प्राचाल पैरामीटर द्वारा प्राप्त होती है जिसे AC धारा लाभ AC करंट गेन कहते हैं। यह AC धारा लाभ संग्राहक धारा में परिवर्तन तथा उत्सर्जक धारा में परिवर्तन के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है जबकि संग्राहक आधार वोल्टा नियत हो। इसे α0 या α AC या H
एफपी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एचएफपी संकेत एच प्रचाल या संकर हाइब्रिड प्रचाल के विश्लेषण से प्राप्त होता है। पदाक्षर या सबस्क्रिप्ट में अक्षर एफ अग्र या फॉरवर्ड तथा अक्षर बी उभयनिष्ठ आधार या कॉमन बेस संयोजन को व्यक्त करता है। अतः अल्फा जीरो इक्वल टू अल्फा सी इक्वल डेल्टा ए सी बाई डेल्टा ए ई पी सी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसे लघु संकेत उभयनिष्ठ आधार धारा लाभ या स्मॉल सिग्नल कॉमन बेस गेन भी कहते हैं। ए सी धारा लाभ या एच एफ बी की परिभाषा में हम पी सी बी को नियत लिया जाता है। निवेशी टर्मिनल पर ए सी संकेत लगाने पर परिपथ में धारा का मान परिवर्तित होता है, अतः संग्राहक वोल्टता भी परिवर्तित होती है। पी सी बी को नियत रखने का एकमात्र तरीका जब ए सी संकेत निवेशित हो, लोड प्रतिरोध आर सी को लघुपथन या शॉर्ट सर्किट है, इसलिए धारा लाभ एच एफ बी को लघुपथित धारा लाभ शॉर्ट सर्किट गेन भी कहा जाता है। सामान्यतया अल्फा जीरो का मान अल्फा के बराबर तथा एक से कम होता है, इसलिए प्रायोगिक रूप से डीसी धारा लाभ एसी धारा लाभ के तुल्य होता है। अब हम बात करते हैं लीकेज करंट की। तो लीकेज करंट पीएनपी ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ आधार विन्यास या कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में प्रदर्शित है। जब स्विच एस को बंद किया जाता है तो बैटरी वीईबी के द्वारा उत्सर्जक आधार संधि अग्र बायसित हो जाती है और उत्सर्जक क्षेत्र में होल आधार में गमन करता है। इसमें कुछ होल आधार क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के साथ पुनः संयोजित होकर धारा आई बी उत्पन्न करते हैं तथा शेष होल संग्राहक आधार संधि कलेक्टर बीएस में पर्स व्यासित वोल्ट में आकर्षित होते हैं। संग्राहक क्षेत्र में पहुंचकर संग्राहक धारा आई सी प्रदान करते हैं। उत्सर्जक धारा आई आधार धारा आई बी व संग्राहक धारा आई सी में विभाजित हो जाती है। परिणाम स्वरूप उत्सर्जक धारा आई व आधार धारा आई बी व संग्राहक धारा आई सी प्राप्त नहीं होती, परंतु कमरे के ताप पर तापजनित अल्पसंख्यक आवेश वाहकों एन क्षेत्र में होल व पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के कारण संग्राहक आधार संधि जैसी अग्र बायस की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि आधार के सापेक्ष संग्राहक ऋणात्मक बायसित होता है। अतः ये अल्पसंख्यक आवेश वाहक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन व होल संग्राहक आधार संधि पर विसरित होकर एक धारा उत्पन्न होती है। यह धारा बाह्य परिपथ में संग्राहक आधार की प्रवाहित होती है। इसे शरण धारा या लीकेज करंट ICBO या धारा व्युत्क्रम संतृप्त धारा रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहलाती है। अतः स्विच एस के बंद के होने की स्थिति में कुल संग्राहक धारा दो भागों में मिलाकर बनती है, उत्सर्जक व अंतक्षेपित होने वाली बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण अल्पसंख्यक निवेश वाहकों के कारण IC इक्वल टू IC बहुसंख्यक प्लस ICBO अल्पसंख्यक IC इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICBO। समीकरण से उभयनिष्ठ आधार धारा लाभ अल्फा इक्वल टू IC माइनस ICBO डिवाइड बाय IE। संक्षेप में उभयनिष्ठ आधार विन्यास में धारा लाभ अल्फा इकाई में 0.98 होती है, गतिक निवेशी प्रतिरोध आर ए बहुत कम या 20 ओम होती है, गतिक धारा निर्गम बहुत अधिक या 1 मेगा ओम होता है, शरण धारा अल्प जर्मेनियम की 0.4 माइक्रो एम्पियर, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए 0.2 एम्पियर होती है, शरण धारा ताप पर निर्भर करती है। धन्यवाद।